ओके okay. सो so, अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको तो हमने ये लास्ट दिन बनाया था सो so, आज बेसिकली मुझे इसकी सीलिंग बनानी है जो इसका सीलिंग होगा वो सीलिंग बनाना है तो सीलिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और उसके पहले इससे पहले कि हम सीलिंग बनाएं ये जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे ये लाइन ली हुई है ना ये सबको हम डिलीट कर देंगे <coughs> जो भी हमने लाइन ले रखी है सबको हम डिलीट करेंगे ये सब जो भी लाइन हमारे पास है सबको डिलीट कर दीजिए ताकि एकदम आपका जो सीन है वो नीट एंड क्लीन रहे ओके सो स्केचअप के के आज के इस क्लास में हम बात करेंगे थोड़े मटेरियल्स वगैरह के कि मटेरियल्स कैसे ऐड करने हैं एंड कोई चीज अगर आप ऐड करना चाहते हो तो किस तरीके से तो यहाँ पे देखो जो भी आप डाउनलोड करोगे वो बेसिकली एडेड uh, ही रहता है सब कुछ अब यहाँ पे मैंने ना uh, वीरे uh, इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर तो आपको वीरे के बिना बिकॉज यहाँ पे जब तक आप वीरे नहीं डालोगे रेंडर इंजन नहीं डालोगे तब तक, तक आप रेंडर नहीं कर सकते तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए हमारा वीरे का सारा टूल्स यहाँ पे है तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो अभी रेंडर निकाल सकता हूँ तो मैं एक रेंडर निकाल के देखता हूँ जस्ट मैंने क्लिक किया और स्केचअप में सनलाइट जो होती है वो बाई डिफॉल्ट होती है लाइक वो रहेगा तो ये देखो एक काफी बढ़िया सा रेंडर आपको यहाँ पे निकलता हुआ नजर आएगा हालांकि इसमें अभी हमने कोई लाइट वाइट कुछ नहीं डाला है मगर स्टिल आप देख सकते हो कि काफी बढ़िया निकल रहा है लेकिन ये अभी टाइम लगेगा बिकॉज ये सब चीजें जो है देखो यहाँ पे अभी हमारा रेंडर चल रहा है और रेंडरिंग इमेज पास सिक्सटीन ये भी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होगा उसके बाद फिर ये जो नॉइज है तो हम इसको डी नॉइज़ कैसे करेंगे ये सारी चीजें इसके अंदर आपको आगे की क्लासेस में आपको मिलेगा तो इसी पे हमारा पूरा क्लास कंप्लीट होगा लाइक हम एकदम स्टार्ट टू एंड यहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग सेटअप भी हम देखेंगे कि किस तरीके से आप कर सकते हो ग्लास मटेरियल वगैरह कैसे डालना है वो सब भी हम देखेंगे तो देखिए ये भी हमारा फिनिश हो गया है मगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पे काफी सारा आपको नॉइज़ देखने को मिलेगा बहुत ही नॉइसी है क्योंकि अभी हमने इसकी कुछ भी रेंडर वेंडर कुछ भी सेटिंग हमने नहीं करा हुआ है तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे और अब हम मटेरियल हमें यूज़ करना है लेकिन उसके पहले हम इससे पहले कि हम मटेरियल यूज़ करें हम सबसे पहले इसका सीलिंग डिज़ाइन कर लेते हैं तो सीलिंग में मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखूंगा बहुत ही सिंपल सा सीलिंग एक बनाने वाला हूँ तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ जाना है और यहाँ से क्लिक करके सीधा आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखोगे कि ये लॉक हो गया

कि यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट हमें लेनी पड़ेगी तो यहाँ से अगर हम यहाँ जाकर देखें एंड अगर आप इस पर जाते हो और यहाँ से अगर आप यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट देखते हो तो तकरीबन अट्ठारह फीट चार इंच है ठीक है अठारह फीट चार इंच है एंड अगर हम यहाँ से देखें तो ये तकरीबन उनतीस फीट सात इंच है ओके okay? तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाकर एक बॉक्स ले लेंगे ऐसा एंड uh, इस बॉक्स में हम जो करेंगे यहाँ पे कर देंगे उनतीस फिट सात इंच ठीक है उनतीस फिट सात इंच एक बार वापस करते हैं उनतीस फिट सात इंच कॉमा <coughs> अठारह फिट चार इंच एंड एंटर तो देखिए आपका ये आ गया अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ही आपको सारा डिज़ाइन बनाना है ठीक है तो ये एन, अन, मतलब हम इंटीरियर का बना रहे हैं इसको बाद में इसको बढ़ा के ये कर देंगे अभी हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हमें ऐसे उठा लेते हैं लाइक ऐसा दो इंच पे उठा लिया दो इंच नहीं बल्कि आप इसको चार इंच और उठा लीजिए छः इंच के आसपास हम इसकी थिकनेस यहाँ पे रख सकते हैं ठीक है और इधर से भी अभी हमारा ये दस इंच का था तो हमें इधर से भी दस इंच का बढ़ाना होगा ठीक है दस इंच उधर से पांच इंच ये हमें बढ़ाना हो तो हम बाद में बढ़ा लेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब यहां पे हमें बेसिकली सीलिंग देनी है ठीक है यहां पे तो हम क्या करने वाले हैं कि हम यहां पे सबसे पहले एक ऑफसेट लेंगे एंड ऑफसेट लेके सो जस्ट क्लिक एंड क्लिक ऑन ऑप्शेट ऐसा ऐसा आप ऑप्शट ले लीजिए अब ये ऑप्शेट आपको कितना बड़ा रखना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा रखता हूँ लाइक ऐसा रख लेता हूँ तकरीबन अठारह इंच ठीक है और आप इसको थोड़ा सा बढ़ा के रखो लाइक 30 इंच रख लो ठीक है अभी के लिए मैं इसको तीस इंच रखता हूं ठीक है डन अब ये होगा क्या कि ये तीस इंच के बाद यानी कि इधर जो रहेगा हमारा यहाँ पे हमें कोपलाइट जैसी चीजें बनानी है ठीक है so मैं क्या करूंगा कि इसको सेलेक्ट करेंगे सिर्फ इन दोनों को बस इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां जाएंगे और यहां जाकर हम कंट्रोल दबा के थोड़ा एक कॉपी बना लेंगे अब देखो ये किधर जा रहा है आई डोंट नो तो मुझे ब्लू लाइन पे जानी है ये देखिए ऐसा ठीक है हमने कॉपी करा इसको और हम सीलिंग से चार इंच नीचे रखेंगे इसको चार इंच डन परफेक्ट ये हो गया हमारा ये चार इंच हमने इसको नीचे रख लिया अब मैं इसको पकड़ूंगा और इसको कर लूंगा लाइक दो इंच देखिए तो हमारा ये वाला चीज बन गया ठीक है अब हम इसको भी पकड़ के ना थोड़ा सा लाइक दो इंच नीचे ही कर लो तो बेहतर है हाँ जी दो इंच नीचे इसको कर लीजिए डन और इसे भी आप दो इंच नीचे कर लो ऐसा रखो ओके तो देखो तो ये ऐसे भी बन गया ये अब इसमें आपको जो भी डिजाइन बनाना है वो डिजाइन आप बना सकते हो तो यहाँ यहां जाइए एंड लाइक इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड सिलेक्ट करके ना एक ऑप्शेट ले लो आप यहां एक ऐसा ऑपसेट ले लो ले लिया लेने के बाद हम क्या करेंगे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम कुछ कर लेंगे ऐसा पांच इंच और लाइक दो इंच और कर लेते हैं सिक्स इंच एंड देन में क्या करूंगा कि यहां पे जाऊंगा ये देखो यहां पे और इसको यहां से तक यहां कॉपी कर एक वो लगा दीजिए एंड उसके बाद यहां से यहां तक लगा देंगे लग गया अभी अगर आप चाहो तो ये इस, इस लाइन पे क्लिक करो इस पर्टिकुलर लाइन पे अगर हमको लगता है कि इस लाइन को हमें थोड़ा ऊपर लेना है तो हम ले सकते हैं। तो तभी हमें आ सेलेक्ट करेंगे देना में आ जाएंगे और इसको थोड़ा सा अब हल्का ऊपर रख लीजिए बस हो गया अब हमें यहाँ पे भी स्टाइल लगाना है थोड़ा इसको ऐसे नहीं छोड़ना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से जाऊँगा और इसको पकड़ के अंदर कर लूंगा लाइक छ इंच इधर से भी छ इंच और इधर से भी छ इंच तो हमने इस तरीके से अपना सीलिंग का ये हिस्सा भी बना दिया डन यहाँ पे हो गया हमारा ये सीलिंग का हिस्सा okay, सो so अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं और अब हमें क्या करनी है कि यहाँ पे इसके अंदर में मुझे एक लाइट लगानी है बेसिकली यहाँ पे हमें एक लाइट लगानी होगी ठीक है इसके चारों तरफ हमें एक लाइट लगाना है ओके okay? तो उसको हम क्या करेंगे चलिए तो ये तो अभी हमारा बन गया अब यहां पे अगर आपको कुछ स्टाइल देना है इसके ऊपर तो अभी दे सकते हो जैसे यहाँ पे कर्व ले लो ये आप आर्क ले लो क्लियर और ऐसे आप यहां पे आर्क लगा सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि ये बाहर नहीं जाना चाहिए तो मैं यहाँ पे जाता हूं पहले एंड थ्री पॉइंट आर्क भी है एंड नॉर्मल आर्क भी है तो ये टू पॉइंट आर्क है सो क्लिक एंड क्लिक एंड देन यू कैन यूज क्लिक एंड क्लिक ऐसा हमने ऐसा यहां पे एक डिजाइन लगा दिया एंड सेम मैं इसको एंड इसको सिर्फ दबा के कॉपी करूंगा एंड uh, कॉपी लूंगा इसको यहां से शो कंट्रोल एंड लाइक पुट इट हियर राइट क्लिक एंड फ्लिप

बट ये ना यहां पे आपको कनेक्टेड दिखेगा तो मैं इसको अभी डिलीट करता हूं इसको सेलेक्ट करता हूं एंड इसको आप ऐसे कॉपी बना लो डन तो सपोज मेरा कुछ इस तरीके का डिजाइन बनने वाला है ठीक है ये हो गया हमारा अब मैं क्या करूंगा कि इसको पकड़ूंगा इसे थोड़ा उठा लूंगा ऐसा लाइक दो इंच और इसको भी हम कर लेंगे दो इंच तो देखिए हमारा सीलिंग में बहुत ही बेहतरीन सा डिज़ाइन यहाँ पे बन सकता है ये बन गया सीलिंग का एंड नाउ आई हैव टू यूज वन थिंग हियर फॉर लाइट यहाँ पे मुझे लाइट के लिए कुछ चीज़ें यूज करनी पड़ेंगी ठीक है तो हम क्या करेंगे कि यहां पे अभी कैसे बनाए तो देखो हमारा सीलिंग बन गया लेकिन अभी यहां पे अभी सीलिंग में लाइट लाइटें लगानी बाकी है यहाँ पे तो अगर आपको लाइट लगानी है, सीलिंग लाइट लगानी है तो हम सीलिंग लाइट यहाँ पे बना सकते हैं तो बना लेते हैं 6.6 छमा गड़बड़ है ये डिलीट करो सी तो ये हो गई हमारी सपोज़ लाइटिंग के लिए हम तो इसको लगाएंगे लाइटिंग के लिए एंड आई डोंट नो कि ये आ, आपका साइज़ का थोड़ा इशू अगर लगता है तो आप इसको अगर आपको ऐसे भी है ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप यहाँ से बना सकते हो तो जैसे हमने इसको कर लिया चार इंच बाई चार इंच बाई चार इंच क्लोज चार इंच बाई चार इंच का हमने ऐसे एक यहाँ पे लाइट बना लिया अब ये मेरी लाइट हो जाएगी यहाँ पे हमें लाइट यूज करना है आपको गोल करना है गोल कीजिए जैसा भी आपको करना है सो so, यहां से हम ऑपस्टेट लेंगे कुछ ऐसा और कुछ ऐसा ये देखो ठीक है ये बेसिकली हमारी यहां पे लाइटें लगने वाली है ठीक है चार इंच की यहां पे हम एक लाइट लगाने वाले है। ठीक है अब इसमें हमें लाइट लगाना है तो मैं वापस जाऊंगा ऑपसेट में ऐसा ले लूंगा इसको ऐसे कर देंगे ओके okay, ऑपसेट लेने से पहले मैं काम करूंगा कि इसको डबल क्लिक करूंगा राइट क्लिक एंड इसको कर दूंगा मेक ग्रुप और मेक कंपोनेंट्स इसको आप कर सकते हो मेक कंपोनेंट्स मेक कंपोनेंट्स और इसको कर दो एस आई एल आई एन जी सीलिंग एल आई जी एस टी सीलिंग लाइट एंड देन डबल क्लिक गो टू दिस वन एंड देन इंक्रीज दिस ओके फॉर लाइट तो ये मेरा क्या होने वाला है ये मेरा बेसिकली लाइट होने वाला है ये जो होगा ये मेरा हो जाएगा यहां पे लाइट अगर आप चाहते हो कि ये लाइट को हम थोड़ा सा ऐसा ना थोड़ा देवेचर दे तब यहाँ यहां पर करवेचर भी कर सकते हो तो कैसे करना होगा तो करवेचर करने के लिए आपको यहां जाना है क्लिक करनी है एंड देन क्लिक करनी है and थोड़ा सा इसको ओके okay. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हमें क्लिक करेंगे एंड देन then... कुछ क्रबड़ हो रहा है सो लेट मी चेंज इट ओके सो पहले ना आप इसके लाइक अभी हम इसके अंदर ही है एंड यहाँ से हम ले लेंगे कर्व थ्री पॉइंट कर्व भी हम ले सकते हैं डन एंड देन इसको पकड़ के ना इसको डिलीट कर दो ये मुझे नीचे okay? क्या करना है कि अब आपको इसको इसको पकड़ना है. और इसको पकड़ के आप क्लिक कर सकते हो देखो ये चला गया ऐसा बन गया आपका अब, अब यहां पे भी आपको सेम तरीके से बनानी है अगर आपको लाइट जैसी कुछ लगानी है तो कर लिया और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और जो भी ऊपर ऊपर गया होगा ना वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए डन देखिए तो ये हमारा बेसिकली लाइट बन गया अभी और अभी आप बाहर निकल जाओ तो ये अभी आपका एक कंपोनेंट है ठीक है आप इसे बड़ा भी कर सकते हो लाइक यहां से स्केल अब इसे बड़ा भी कर सकते हैं अब ये और ये सब एक साथ आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड राइट क्लिक करके इसको कर लीजिएगा मेक ग्रुप डन अब हमें क्या करना है कि अब हमें स्लाइड को पकड़नी है यहां लगा देना है देखो सीधा फेस पे आ गया है ये लेकिन इसके हिसाब से ना लाइट हमारी थोड़ी सी छोटी है एक्चुअली लाइट छोटी नहीं है मतलब हमने इसको ज्यादा बड़ा ले रखा है इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे ये हमने इसको ना इंच कम कर देना है सेलेक्ट छ इंच आप इसको छ इंच कम कर दीजिए ये पूरी मेजरमेंट आपको सीखनी पड़ेगी करना पड़ेगा जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ठीक होगा एंड तो हमने ये छह छः इंच इसको ही कर दिया अब हमारा ये जो लाइट है ना वो थोड़ा ठीक हो जाएगा तभी हम क्या करेंगे कि इस लाइट को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे को थोड़ा बड़ा करते हैं। हल्का माइनर आ गया डन सो अभी हम इस स्लाइड को कॉपी कर लेंगे तो स्लाइड को कॉपी करने के लिए आपको यहां जाना है अब यहां पे आपको कितनी लाइटें लगानी है ये भी आप डिसाइड कर लीजिए और कहाँ लगानी है भी डिसाइड कर लो जैसे आपको बीच में लगानी है तो थोड़ा यहां रख लो एंड देन आप इसको कंट्रोल दबा के यहां कर लो और स्लैश एंड तीन कर दो तो बस इतना ही लाइट है हमें यहां पे चाहिए देन मैं इसको सिलेक्ट करूंगा इससे सिलेक्ट करूंगा इससे एंड इसे देन विल कॉपी जस्ट हियर डन तो देखिए आपकी लाइट यहाँ पे लग चुकी है अब हम इसे पकड़ेंगे और इसको कॉपी करेंगे एंड यहां पे हम मूव कर लेंगे और एक और यहां पे कॉपी कर लेंगे एंड देन मैं सिलेक्ट करूंगा एंड देन आप इसको यहाँ पे कॉपी कर दीजिए या देखिए हमारी लाइटें लग गई हैं अगर आपको इधर लाइटें लगानी है इधर भी आप लाइट लगा सकते हो लेकिन फिलहाल मुझे उधर लाइट नहीं लगानी तो यहाँ पे हम अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको आपको यहाँ पे पंखा वंखा लगाना होगा आप फैन वैन लगा सकते हो तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके okay, डन so अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इसके अंदर तो हमें लाइट चाहिए भाई इसके अंदर हमें लाइट चाहिए तो इसके अंदर अगर आपको लाइट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा चलिए देखते हैं so उसके लिए आपको करना यह है कि इसकी मेजरमेंट ले लो पहले तो सबसे पहले इसकी मेजरमेंट ले लो कहां से कहां तक आपको लाइट चाहिए वो देख लो पहले तो ये तकरीबन छ फिट छे फिट इधर है एंड कुछ सत्रह फीट, अठारह फीट इधर है तो हम क्या करेंगे कि हम यहां जाएंगे बॉक्स भी ले सकते हैं और हम सिंपल एक लाइन भी ले सकते हैं लाइन से भी हम इसको बना सकते हैं तो हम यहां से ले लेते हैं ऐसे लाइन चलो लाइन से ही दिखाता हूं तो हम यहां पर लेके ले अठारह फिट कोमा छिट सॉरी पहले तो आपको करना है इसको फिट डन अब इसको करना है आपको छ फिट डन एंड इसको भी करना है आपको अठारह फिट क्या अट्ठारह फिट ओ ओ सॉरी 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 तो एक्चुअली ये गलत लाइन पे बन रहा था तो so ये रेड वाले एक्सिस पे आपको बनानी है देखो इस पे अट्ठारह फिट डन और अब बनानी है आपको ग्रीन वाले पे फिट, फिर रेड वाले पे अठारह फिट एंड क्लोज डन तब ये ऐसा बन गया ठीक है अब मुझे यहां से ऑफसेट ले लो और ऑफसेट मुझे एकदम छोटी सी ऑफसेट लेनी है इट, एंड इसको डिलीट कर देंगे और कर लेंगे एक इंच कर लो दो इंच मतलब दो इंच टोटल बस इतना ये हो गया हमारा अभी मुझे क्या करना है कि इसको ट्रिपल क्लिक करो राइट क्लिक एन इस्ट कर दो मेक कंपोनेंट कंपोनेंट uh, नहीं मेक कंपोनेंट नहीं करेंगे कंपोनेंट करने से क्या होगा कि आप कुछ भी करोगे तो सेम टू सेम वर्क करेगा वो अब मैं इसको यहां लेके जाता हूं एंड विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर ये देखो हमने इसको ऐसे मूव किया लेकिन हमें ऐसे मूव नहीं करना है इसको हमें तो इसको और नीचे लानी है यहाँ पे और यहाँ पे अभी देख लो कि एकदम तो बाहर होना चाहिए वो हाँ और बाहर जाएगा ये अच्छा ये अभी बहुत छोटा मतलब थोड़ा छोटा हो गया तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ऐसा कर लेंगे डन एंड परफेक्ट इधर भी देखो अच्छा इधर अभी थोड़ा बाकी है तो मैं क्या करने वाला हूं कि इसको पकड़ेंगे देख लीजिए इधर भी यस आ गया बाहर और थोड़ा बाहर चाहिए डन इधर भी जाके देख लो ओ अभी भी ये थोड़ा सा थोड़ा और बड़ा चाहिए होगा मतलब उसको घुसना नहीं चाहिए उसके अंदर मैं चाहता हूं कि वो घुसे नहीं सिंपल सी चीज है ओके ना इट्स परफेक्ट या इट्स परफेक्ट एंड लिटिल बिट आप इसको अभी चूंकि हम बड़ा कर चुके हैं तो अब थोड़ा सा इसे मूव कर सकते हैं बहुत ज्यादा हो गया शायद बस तो ये हमारी हो गई लाइट ये हमारी लाइट रहेगी ठीक है अब हमें ये सेम लाइट एक और लगानी है तो हम इसके लिए सेम लाइट कहाँ लगानी है भाई तो यहां लगानी है तो मैं क्या करूंगा इसको पकड़ूंगा इसको कॉपी कर लूंगा देखो यहां मतलब यहां मतलब कि ये अंदर में रहेगा ऐसा एंड देन गो टू दिस वन एंड वॉट्स एप चलो हम इधर से बड़ा कर लेते हैं क्या है एक्चुअली क्या है कि कहीं से भी इसको लिंक नहीं होना चाहिए तो इसको फिलहाल हम ऐसे बड़ा करते हैं किया एंड देन यहां से यहां तक इवन यहां से यहां तक परफेक्ट ऐसे करो और अब इसको मूव करके ले जाओ डन परफेक्टली डन एंड इसको हम इधर से थोड़ा सा अंदर की ओर छोटा ही रखेंगे तो अच्छा लगेगा तो कुछ इस तरीके से हम यहां पे पूरी की पूरी सीलिंग डिजाइन हमने कर लिया देखिए तो अभी ये अब ये क्यों लग किया है मैंने ऐसा क्या काम आएगा ये आपको बाद में समझ में आएगा अभी नहीं तो बाद में समझ में आ जाएगा अब हमारा ये डन हो गया है अब हम इसको क्या करेंगे हमने सीलिंग में जो भी लगाना था लगा लिया अगर आपको इधर लाइटें वाइटें लगानी है तो वो भी लगा सकते हो अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसा गैप कर दू लाइक एक इंच का ताकि हम इसमें ना कुछ अच्छी वाली और कोई टेक्चर्स वगैरह कुछ वो दे देंगे डन तो अभी हम इसको इधर ही रखेंगे इसको अभी हम टेक्स क्योंकि हमें इसमें टेक्सचर करना होगा तो हम इसको इधर ही रखेंगे और इधर ही ये टेक्सचर होगा एंड फिर हम इसको टेक्सचर वगैरह करने के बाद हम इसके ऊपर इसको डालेंगे ठीक है और जस्ट कुछ करना नहीं है मैं अभी एक जस्ट आपको सिंपल दिखा देता हूँ आपको ऐसा करना है एंड इसको लेना है लाइक एक कॉपी बना लीजिए मैं जैसे के लिए आपको दिखा रहा हूं इसको हम अभी सिलेक्ट करेंगे ऐसे राइट क्लिक और इसको करेंगे हम मेक ग्रुप अब इसे हमें क्या करना है उलट देना है तो यहां पे जाओ डन हो गया बस और अब आप आपको इस कॉर्नर पे आना है और आकर यहां सेट कर देना है आपका काम कंप्लीट ये देखिए आपकी सीलिंग लग के तैयार हो गई है एंड आप चाहो तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर ले सकते हो यहाँ रख सकते हो या दिस वन इज एक्चुअली दिस वन इज बेस्ट एकदम परफेक्ट सीलिंग आपका लग के यहां पे तैयार है अब हम इसको ऐसे ढक लेते हैं और यहां पे आपको जो भी कैमरा एंगल सेट करना है इसे मुझे ये वाली एंगल परफेक्ट लग रही है रूम के लिए तो मैं ऐसे कर लूंगा फाइल एंड सेव एंड ऑलवेज मेक अ वर्जन हमने यहां दिया वर्जन थ्री ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसमें जा सके वापस अब हम इसको एक सीन क्रिएट कर देंगे सीन क्रिएट हो गया उसके बाद हम इसको रेंडर ले लेंगे एंड uh, आप रेंडर में यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे रेंडर की सेटिंग भी होती है तो जैसे हम कैमरा में जाते हैं और कैमरा में जाके लाइक आपको कितनी क्वालिटी क्या चाहिए तो क्वालिटी मुझे हाई चाहिए आपको आर टी एक्स कूडा जी पी यू सी पी यू कौन सा रेंडर करना है वो भी कर सकते हो एंड द एनवायरमेंट सो मुझे अभी फिलहाल नहीं चाहिए एंड डीनोवाइजर को भी हम ऑन कर सकते हैं थोड़ा देर के लिए अभी जिस समय बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा सो डोंट वरी एंड 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 वन मोर थिंग दैट इज अ कैमरा एंड डेप्थ ऑफ फील्ड नॉट रिक्वायर्ड एंड वी नीड एक्चुअली रेंडर आउटपुट सो ये 800 का है तो मैं इसको कर देता हूँ ट्वेल्व एट्टी बाई सेवन ट्वेंटी एंड देन हमने एक ऐसा बेसिक सेटिंग कर लिया है अभी हमने कोई भी मटेरियल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है इज आर लॉट ऑफ थिंग सो अभी हमने कुछ भी फिलहाल नहीं डाला है एनवायरमेंट में अगर आप यहाँ पे कुछ डालना चाहते हो लाइक आपको कैसा चाहिए तो अभी उसको यूज कर सकते हो और मैं यहाँ से अभी एक रेंडर लगाता हूँ तो अभी जो रेंडर आएगी वो बहुत ही कमाल का और बहुत ही खूबसूरत सा आपको रेंडर देखने को मिलेगा सो बेसिकली आज के क्लास में हम रखेंगे इतना ही मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में तब तक आप यहाँ तक यानी कि इस पूरी सीलिंग डिजाइन करके आप प्रॉप्स ऐड करना इज अ सेकेंडरी थिंग बट बिफोर दैट आपको यहाँ पे कंप्लीटली सीलिंग वगैरह डिजाइन करके मुझे फाइल शेयर करना है ठीक है सो so चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं